दो छापों से मामला हुआ हार्ड, मिले टैक्स चोरी के कई रिकॉर्ड। साढ़े 300 करोड़ का केस, तापसी अनुराग पर कई पेंच। डिजिटल सबूत लगे हाथ, अब तो हाथ से निकल गई बात। जी हाँ, बॉलीवुड के दो चमकदार सितारे अब आयकर विभाग के छापों की दबिश से गर्दिश में जाते दिखाई देने लगे हैं। पहला नाम है तापसी पन्नू और दूसरा अनुराग कश्यप। ना तो अनुराग कश्यप किसी परिचय के मोहताज हैं, ना ही तापसी पन्नू। दोनों ने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक फिल्म दी है। तापसी ने फिल्मों में अपनी एक्टिंग से जलवा बिखेरा है, तो अनुराग कश्यप ने फिल्में बनाकर बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाया है। लेकिन इन्हीं सिक्कों की खनक और नोटों की चमक के फेर में दोनों की कुंडली इनकम टैक्स विभाग के हाथ लगी है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं क्या है 350 करोड़ का मामला और तापसी पन्नू का पूरा कनेक्शन। जाहिर है मामला हाई प्रोफाइल, तो इनकम टैक्स विभाग भी फूक फूक कर कदम उठा रहा है। आयकर विभाग के छापे में तापसी पन्नू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि तापसी के पास 5 करोड़ नकद बरामद हुआ है। मुंबई समेत कई शहरों में कुल 28 जगहों पर छापेमारी हो रही है। तापसी और डायरेक्टर अनुराग कश्यप समेत फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों और कंपनियों पर आयकर विभाग की छापेमारी और जांच चल रही है। आयकर विभाग ने अपने बयान में कहा है कि सर्च के दौरान इन प्रोडक्शन हाउस की आय और शेयर में बड़े पैमाने पर हेराफेरी के सबूत मिले हैं। सूत्रों के अनुसार विभाग ने कहा है कि 350 करोड़ की टैक्स गड़बड़ी का पता चला है। कंपनी के अधिकारी 350 करोड़ के बारे में कोई जवाब नहीं दे पाए हैं, तो वहीं तापसी के नाम पर 5 करोड़ की कैश रिसिप्ट रिकवर हुई है, जिसकी जांच जारी है। तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के समर्थन में सियासतदान और बॉलीवुड के कई चेहरे सरकार के खिलाफ भले ही हल्ला बोल रहे हैं, लेकिन जिस अंदाज में टैक्स चोरी का ये केस उजागर हुआ है, और कई चेहरों से टैक्स चोरी का नकाब उतर सकता है, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग की दलीलें तो इसी तरफ इशारा कर रही हैं। तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के ठिकानों पर छापे पड़े तो अचानक साजिश की थ्योरी की कहानियां सामने आने लगी। तापसी और अनुराग कश्यप के चाहने वाले ये सवाल उठाने लगे कि कहीं सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के प्रति इन दोनों की मुखर सोच इन छापों के पीछे की वजह तो नहीं है। साजिश की इस थ्योरी के साथ ही तापसी पन्नू और कंगना रनौत के बीच कड़वी ट्विटर जंग की कहानियां फिर से ताजा हो गईं। ज्यादा दिन नहीं बीते, 4 फरवरी की बात है, किसान आंदोलन पर अमेरिकी सिंगर रिहाना और क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट के खिलाफ खिलाड़ियों और बॉलीवुड स्टार्स के ट्वीट की बाढ़ आ गई थी। इस पर तापसी पन्नू ने ट्वीट किया था, यदि एक ट्वीट आपकी एकता को हिला सकता है, एक मजाक आपके विश्वास को डिगा सकता है और एक शो आपके धार्मिक विश्वास को आहत कर सकता है, तो आपको अपनी भावनाओं को मजबूत करने की जरूरत है, ना कि दूसरों को दुष्प्रचार के बारे में सीख देने की। तापसी का ये ट्वीट कंगना रनौत को नागवार गुजरा। कंगना ने पलटवार करते हुए ट्वीट किया, तेरी माँ को मैं गाली दूँ तो ये तुम्हारी आस्था को झकझोर देगा मूर्ख। नेशनल प्लेटफॉर्म पर उसका अपमान करूँ? मैं जानती हूँ कि तू अपने प्यार को मजबूत करेगी और कुछ नहीं करेगी, तभी तेरे जैसे दूसरों की रोटियों पे पलने वाले पालतू होते हैं, कभी कुछ और बन ही नहीं पाते, चुप कर अब। कंगना यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे लिखा, बी ग्रेड लोगों की बी ग्रेड सोच, किसी को भी अपनी जन्मभूमि और परिवार के विश्वास के साथ खड़ा होना चाहिए, यही कर्म है, यही धर्म भी है। फ्री फंड का सिर्फ खाने वाले मत बनो, इस देश का बोझ, यही वजह है कि मैं उन्हें बी ग्रेड कहती हूँ। मुफ्त खोरों को नजरअंदाज करो। कंगना अक्सर तापसी को बी ग्रेड एक्टर बताती रही हैं। उनकी बहन रंगोली तापसी को कंगना की सस्ती कॉपी बताती हैं। दोनों का ट्विटर वॉर पिछले साल चरम पर था। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत को कंगना ने बॉलीवुड गैंग और नेपोटिज्म से जोड़ा था और तापसी ने इस पर कड़ा पलटवार भी किया था। 4 जुलाई 2020 का कंगना का ट्वीट देखिए,
बाहर से आए कई चापलूस लगातार कंगना की शुरू की गई मुहिम को पटरी से उतार देना चाहते हैं। वो मूवी माफिया के नजदीक आना चाहते हैं। कंगना पर हमला करने के लिए उन्हें फिल्में और अवार्ड मिल रहे हैं और वो एक महिला को सरेआम परेशान करने में मदद कर रहे हैं। तुम्हें शर्मानी चाहिए तापसी पन्नू, तुम कंगना की मेहनत का फल खा रही हो और उसी के खिलाफ गुटबाजी में शामिल हो। के इस ट्वीट के 2 घंटे बाद ही तापसी ने कुछ मोटिवेशनल मैसेज शेयर करते हुए पलटवार किया। हालांकि उन्होंने कंगना को न तो टैग किया और न ना ही नाम लिया। तापसी पन्नू का ट्वीट देखिए। कुछ चीजें जिंदगी में मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, खास तौर पर पिछले कुछ महीने से। इन्होंने मुझे जिंदगी को सही तरीके से समझना सिखाया। इनके कारण मुझे काफी शांति और नया नजरिया मिला है, इसीलिए इसे शेयर कर रही हूँ। तापसी बनाम कंगना, बॉलीवुड की दो शानदार अभिनेत्रियाँ, दोनों अभिनय की दुनिया में कामयाबी के झंडे गाड़ रही हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर दोनों की विचारधारा दो अलग अलग छोर पर है। फुल ब्रांडिंग शेंडिंग हो रही है। ओ इन्हें तो तरक्की कर दे बेबी। फैंटम फिल्म्स करीब 10 साल पहले बड़े जोर शोर से अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवानी, विकास बहल और मधु मंटेना की चौकड़ी ने इस कंपनी की शुरुआत की थी। इसे बताया गया था डायरेक्टर्स कंपनी। फैंटम फिल्म्स में बॉलीवुड के 4 बड़े नाम जुड़े थे, लिहाजा 50% हिस्सेदारी रिलायंस एंटरटेनमेंट भी इसमें शामिल हो गया। आप वरुण को जितनी अच्छी तरह जानती थी और कोई नहीं जानता। 2 साल बाद ही फैंटम फिल्म्स ने सोनाक्षी सिन्हा और रणवीर सिंह की फिल्म लुटेरे के साथ बॉक्स ऑफिस पर शानदार दस्तक दी। इसके बाद तो एक से बढ़कर एक फिल्मों की बाढ़ आ गई। बाकी अच्छी लड़की जाते जाते तुम्हें उसका दिल तोड़ना पड़ेगा। परिणीति चोपड़ा की हंसी तो फंसी। चोरी करने कितने पैसे चाहिए? 10 करोड़। कंगना रनौत की क्वीन ने ऐसा धूम मचाया कि उसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिला। अगली, NH10, हंटर, बॉम्बे वेलवेट, मसान, मुक्केबाज, मनमर्जियां, सुपर 30, फैंटम फिल्म से तमाम नगीने बाहर आए। बड़ा बड़ा गड्ढा खोदती है, लेकिन यही वो सबसे बड़ी गलती करती है। सवाल उठता है कि फिर फैंटम फिल्म आयकर विभाग के रडार पर कैसे आ गया? बताया जाता है कि मी टू में विकास बहल का नाम आने के बाद अक्टूबर 2018 में फैंटम फिल्म्स के बंद करने का ऐलान हुआ था। इसके बाद इसी साल जनवरी में मधु मंटेना ने अनुराग कश्यप, विकास बहल और विक्रमादित्य मोटवानी के सारे शेयर खरीद लिए। इन तीनों के पास 12.5% शेयर थे। इस तरह फैंटम फिल्म्स में मधु मंटेना और रिलायंस एंटरटेनमेंट की आधी आधी हिस्सेदारी हो गई। कुछ साल पहले मधु मंटेना ने 500 करोड़ की लागत से रामायण बनाने का ऐलान किया था। सूत्रों के मुताबिक इसके अलावा वो 200 करोड़ की लागत से द्रौपदी का निर्माण भी करने वाले थे। मधु मंटेना की पिछली 5 फिल्में घाटे में रही। बताया जाता है कि लगातार फ्लॉप फिल्मों के बावजूद 700 करोड़ के प्रोजेक्ट पर काम करने से वो आयकर विभाग के रडार पर आ गए। भारत के नामचीन डायरेक्टरों में अनुराग कश्यप का नाम शुमार है। उन्हें अद्भुत फिल्म बनाने की शैली के लिए जाना जाता है। अनुराग कश्यप को स्कूली दिनों से ही फिल्मों से बहुत लगाव था। बाद में उनका मन बदल गया और वो साइंटिस्ट बनना चाहते थे, लेकिन एक बार फिर उनके मन ने ट्विस्ट लिया और वो अभिनय की दुनिया में आए। साल 1993 में अनुराग कश्यप ने एक नुक्कड़ थिएटर समूह जननाट्य मंच को ज्वाइन किया, जहां उन्होंने एक्टिंग के गुर सीखे। आज के अरबपति अनुराग कश्यप कभी 5,000 रुपए लेकर मुंबई आए थे। बताया जाता है कि जब वो मुंबई पहुंचे थे तो इनको कुछ महीने मुंबई की सड़कों पर लगे बेंचों पर समय काटना पड़ा था। यही इनके संघर्ष के दिन थे। साल 2009 में
अनुराग कश्यप ने अपनी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी अनुराग कश्यप फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड बनाई। फिल्म निर्देशन और प्रोडक्शन के साथ अनुराग ने शागिर्द, ब्लैक फ्राइडे, हैप्पी न्यू ईयर, नो स्मोकिंग, भूतनाथ रिटर्न्स जैसी फिल्मों में अभिनय भी किया। अनुराग कश्यप को बड़े डायरेक्टरों में शुमार करने वाली फिल्म थी गैंग्स ऑफ वासेपुर। इस फिल्म ने अनुराग को बॉलीवुड के टॉप डायरेक्टर्स की लिस्ट में शामिल करवा दिया। अनुराग सबसे पहले सुर्खियों में तब आए जब मनोज वाजपेयी के कहने पर उन्होंने राम गोपाल वर्मा के लिए फिल्म सत्या की स्क्रिप्ट लिखी थी। हालांकि अनुराग विवादों से भी अछूते नहीं रहे हैं। साल 2000 में उनके निर्देशन में आई पहली फिल्म पांच युवाओं के हिंसक चित्रण के कारण विवादों में रही। साल 2007 में उनकी दूसरी फिल्म ब्लैक फ्राइडे 1993 की मुंबई धमाकों के संवेदनशील मुद्दे को प्रदर्शित करने के लिए विवादों में रही। वहीं फिल्मों के माध्यम से सेक्स, ड्रग्स और गाली को बढ़ावा देने के लिए कई बार मीडिया की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर अनुराग जितनी अपनी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं उनकी उतनी ही प्रसिद्धि विवादों से जुड़े रहने से भी है। वहीं बात अगर तापसी पन्नू की करें तो तापसी साउथ की फिल्मों की बड़ी स्टार हैं, साथ में आज की तारीख में बॉलीवुड में अपना नाम कमा चुकी हैं। तापसी ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है और काफी फिल्में हिट भी रही हैं। तापसी ने तेलुगु, तमिल, मलयालम और हिंदी फिल्मों में काम किया है। उनके फैन फॉलोअर्स लाखों की तादाद में हैं।